हाँ नहीं वो सबसे पहले तो जो तुम्हें असाइनमेंट दिया था वो तुमने पूरा कर लिया होगा। हाँ सर। एक ये तुम्हारा डाउट आया था कुछ दिन पहले, तो इसको आज डिस्कस कर लेते। ठीक है सर। दूसरी चीज कि ये अगली बार ना तुम्हें वो पढ़ के आना है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है? नोट कर लो, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वो मैं तुम्हें अभी असाइन कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? वो असाइन कर दूंगा और मतलब तुम्हारे पास आ जाएगा वो। मैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सीरीज के नीचे वाला चैप्टर है, वो तुम्हें पढ़ के आना, ठीक है? और उसके नीचे एक और वर्ड है, वो चैप्टर है सीक्वेंस टेस्ट, वो भी तुम्हें पढ़ के आना है, ठीक? अभी स्क्रीन में वो कुछ इशू हो रहा है ना, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, वरना फिर मैं तुमको देता। अच्छा, और चीज क्या है ये अपने को करके आना है, और अपने को, अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तुम? हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। उससे लगातार पढ़ते रहना, ठीक? और आज का जो वो असाइनमेंट है वो भी मैं तुम्हें क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है? वो भी तुम तो फिर कर लेना। ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये जो तुम्हारा डाउट है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? ये मेरी वो असाइनमेंट में जो मैंने भेजे थे उसमें से एक सवाल था। अब इस सवाल को करे तो करेगा, मेंस में आया था, तो आसान है, कुछ है नहीं। सेवन फ्रेंड DEFGH हैव सेमिनार ऑन टॉपिक। वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्वेश्चन है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ाई है, हाँ, हाँ सर। बकायदा मास्टर क्लास में पढ़ा है। अब देखो, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा खासा सवाल है, और ये मेंस का सवाल है। 2013 में इतने छोटे सवाल आते थे मेंस में, की बात है। अब देखो, सात लोग हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स, बायोचिप्स, एयर कार, ग्रीन इंजन, ग्रिड कंप्यूटिंग, डिजिटल वाटर मार्केटिंग, कंप्यूटिंग, क्लॉथिंग एंड कोल्ड फ्यूजन में क्या है सेमिनार देंगे। ईच फ्रेंड हैज प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट मंथ्स, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम मंथ, सही? अब देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये तो यहाँ आएगा, इसको कोने में लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ ना मिला। यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, डी, एक काम करता हूँ, इसे और बीच में लिखता हूँ, ये दोनों केस, दो केस तो कम से कम बनने ही चाहिए इसमें। तो यहाँ लिख देता हूँ डी ई एफ जी एच आई जी, ये तो बन जा रहा है, कोई बात नहीं, क्या ही बन रहा है, ठीक है? अब देखो, आई हैज द सेमिनार ऑन द मंथ ऑफ अगस्त। देखो, एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे कर लें, ठीक है? एक तरीका ही की है। एक और तरीका है, क्या कर लो, जैसे तुमने क्या किया, मार्च अप्रैल को फिक्स किया है कि DEF को फिक्स किया है, ये बताओ, अल्फाबेट को अल्फाबेट को क्या? हाँ, तो इसी से करते हैं फिर ना, इसको भी फिक्स किया जा सकता है। देखो, आई हैड द सेमिनार प्रेजेंटेशन ऑन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आई का जो है वो अगस्त में है, लो लिख दी, ठीक है? आई का अगस्त में, बट नीदर ऑन डिजिटल वाटर मार्केटिंग नॉन ऑन ग्रिड कंप्यूटिंग। तो आई का किस में नहीं है, इसको यहीं लिख दे तो ज्यादा बढ़िया है। कहाँ पे? यहीं पे। DWM में भी नहीं है और ग्रिड में भी नहीं है, GC आई का, सही है? बट नीदर, अक्कर द वन हु प्रेजेंट सेमिनार ऑन बायोचिप्स हैज प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में किसका है? बायोचिप्स ओके। अब क्या है, एफ हैज द प्रेजेंटेशन ऑन ग्रीन इंजन, एफ की प्रेजेंटेशन ग्रीन इंजन में लिख देता हूं, इसमें क्या है, ग्रीन इंजन, बट नीदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल नॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ठीक है, एफ किस में नहीं, अप्रैल में भी नहीं है और नवंबर में भी नहीं, काट दिया। एच हैज हिज प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो एच का लिख देते हैं सितंबर। अच्छा, गलती हो गई, जरा माफी चाहूंगा मैं। जीई को इधर लिख दी, जी मतलब ग्रीन इंजन, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, इधर महीने लिख देते, महीने, थोड़ा सा इसको मिटा दे। अच्छा, छोटी गलती है, कोई बड़ी बात। एच हैज अ प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, लो एच का यहाँ है, एंड डज नॉट प्रेजेंट सेमिनार ऑन ग्रिड कंप्यूटिंग, तो एच का भी जो सेमिनार है वो ग्रिड में नहीं है, ठीक? द वन हु
gives his presentation in the month of April. Present seminar neither. एक बढ़िया ना कैमरा आ जा रहा है. Neither on digital water marketing nor on grid computing. तो जिसका सेमिनार अप्रैल में है उसका सेमिनार ना डिजिटल वाटर मार्केटिंग में है ना ग्रिड कंप्यूटिंग में, दोनों में नहीं. द वन हु गेव प्रेजेंटेशन ऑन कोल्ड फ्यूजन हैज प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ जून. अच्छा, कोल्ड फ्यूजन वाले की जो प्रेजेंटेशन है वो किस में है? जून में. सही है. D has presentation neither in the month of March nor in the December. तो D की मैं क्या नहीं आ सकता? D में ना मार्च आ सकता है ना दिसंबर आ सकता है, और भी चीजें लिखी है ना. वो कोल्ड फ्यूजन में दे रहा है ना वो कोल्ड फ्यूजन में नहीं दे रहा, और वो किस में नहीं दे रहा? ग्रेट कंप्यूटिंग में भी नहीं दे रहा. सही है. जी सी. द वन हु हैज प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल डज नॉट गिव सेमिनार ऑन कोल्ड कंप्यूटिंग कंप्यूटर क्लॉथिंग. सॉरी, अप्रैल वाला कंप्यूटर क्लॉथिंग मैं नहीं दे रहा सेमिनार. जे डज नॉट गिव सेमिनार ऑन बायोचिप्स. तो जे जो है अपना वो बायोचिप्स में सेमिनार नहीं देगा. एंड डज नॉट हैव प्रेजेंटेशन ऑन नवंबर. जे नवंबर में भी नहीं देगा. लो भाई, ई डज नॉट गिव सेमिनार ऑन बायोचिप्स. ई कहा है? ये भी बायोचिप्स में नहीं. अब मुझे एक बात बताओ महाराज, बहुत सिंपल है. सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, वो कितने महीने, टोटल महीने कितने? देखो, सितंबर हो चुका, अगस्त हो चुका, अभी बचा है मार्च अप्रैल जून नवंबर. अब मुझे एक बात बताओ, ये डी मार्च और दिसंबर में तो नहीं आ सकता? नहीं. मार्च भी गया, दिसंबर भी वो गया. डी कोल्ड और ग्रीन भी नहीं. हाँ, अब डी जो है वो ना कोल्ड फ्यूजन है, तो कोल्ड फ्यूजन के नाम से तो जून गया सर. और जीसी भी नहीं है, यानी ग्रेड कंप्यूटिंग नहीं है, तो उसके नाम से कुछ गया नहीं. तो डी का मतलब अप्रैल और नवंबर हो सकता है? सर, दोनों हो सकता. आपने को इससे ज्यादा पता नहीं. अच्छा, अब जैसे ही ये हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना, ये बायोचिप्स कहाँ आ जाएगा मुझे बताओ. बायोचिप्स यहाँ नहीं आ जाएगा. जी का बायोचिप्स मार्च. सही, क्योंकि बाकी नीचे आ नहीं सकता. यहाँ बायोचिप्स कटा हुआ है, ई में बायोचिप्स कटा है, एफ में तो पहले ही जी है. मार्च हम अपना से बोले, ठीक है, वो करके बोले, मतलब श्योर नहीं कि पता है. बायोचिप्स का श्योर है कि वहीं आएगा? नहीं, मार्च भी श्योर है बेटा, क्योंकि मार्च और बायोचिप्स सेम है ना. ये देखो, देखो, द वन हुए सेमिनार प्रेजेंटेशन ऑन बायोचिप्स इन द मंथ ऑफ मार्च. हाँ सर, वो मिस कर गए हम. हाँ सर, हाँ भाई भाई, और वो वहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता बायोचिप, नीचे आ नहीं सकता, यहाँ आएगा नहीं, तो वो मार्च आ गया. अब ये भी हो गया. अच्छा, अब एक ही जगह बची है, बताओ. कोल्ड फ्यूजन और किसके लिए? जून के लिए. कहाँ कहाँ आ सकता है कोल्ड फ्यूजन और जून? अब उसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझ. अगर मैं कोल्ड फ्यूजन को, ठीक है, अगर मैं कोल्ड फ्यूजन को यहाँ रख लूँ, मान लूँ, तो ये जून हो जाएगा और ये कोल्ड फ्यूजन हो जाएगा. हाँ सर, कोल्ड फ्यूजन ये हो गया. अब मैं कह रहा हूँ ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ नहीं आ सकती, ग्रिड कंप्यूटिंग सितंबर में नहीं आ सकती, तो ग्रिड कंप्यूटिंग कहाँ आ जाएगी? यहीं आएगी. इसमें तो ऊपर वाले में तो आ ही नहीं सकती ग्रिड कंप्यूटिंग. नहीं सर. सही. अब ये आ गया अपना. अब मुझे ये बताओ तुम, अब इसमें मुझे बता दो कोल्ड फ्यूजन कहाँ जाएगा, क्योंकि कोल्ड फ्यूजन तो वहीं जाने वाला है जहां जून है. हाँ सर, जून के साथ. अच्छा, हाँ चला गया, वो तो चला गया, ठीक है, कोल्ड फ्यूजन चला गया. सॉरी, कोल्ड फ्यूजन चला गया. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना. अप्रैल में ना DWM है ना GC है. अप्रैल में ना DWM है ना GC है, तो अप्रैल यहाँ होने वाला है. एफ में अप्रैल. हाँ सही है. तो GE क्या है अपना? GE क्या है? ग्रीन इंजन. सही है. अप्रैल में DWM है ना, अप्रैल में क्लाउड कंप्यूटिंग. अप्रैल भी हो गया. अब क्या बचा? ये क्या लिखा है मैंने? नो अप्रैल. एक मिनट, ठीक हो. अच्छा, ये तो यहाँ. अब देखो अप्रैल के लिए तो पकड़ा गया भाई, पकड़ना ही है उसको. मैं क्या कह रहा हूँ,
अप्रैल को तो यहीं आना है ना, यहां नहीं आ सकता, जीसी नहीं हो सकता, यहां नहीं आ सकता ना अप्रैल, अप्रैल को यहीं आना है। सर अप्रैल ऊपर भी आ सकता है डी में, कैसे आएगा, अप्रैल का जीसी है ही नहीं। नहीं सर डी में, डी में एकदम ऊपर में। अरे हाँ अप्रैल वहां भी आ सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वहीं आएगा अप्रैल। अब मैं कह रहा हूं यहां नीचे अप्रैल और नवंबर नहीं आएगा, इसका मतलब अप्रैल और नवंबर यहां आएगा फिर इनमें से कोई एक। हाँ सर अब मेरा सवाल है, नीचे तो अप्रैल आ नहीं सकता, सही है, नीचे अप्रैल आ नहीं सकता, तो अप्रैल कहाँ आएगा भाई, ऊपर ही आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। हाँ वो कंपनी के हिसाब से। हाँ कंपनी के हिसाब से यहाँ नवंबर आ गया। अब मुझे तुम एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे ध्यान से एक बात बताना, ना यहाँ कोल्ड फ्यूजन आ सकता है, ठीक है, कोल्ड फ्यूजन तो नीचे चला गया, जीसी भी जा चुका है, ठीक है, अब यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ एक चीज आ सकती है क्या, जैसे अच्छा ये नवंबर हो गया, ये क्या बचा, मार्च, एक ही महीना बचा है, कौन सा महीना बचा अभी, दिसंबर, दिसंबर तो दिसंबर यहाँ आ गया, हाँ सर सही है। हाँ सर चल अब बताओ, सही हो गया। अब क्या है, मार्च में बायोचिप्स आ चुकी है, मार्च कहाँ है, मार्च में बायोचिप्स आ चुकी है, अप्रैल में ना DWM है ना GC है, सही है, ना कोल्ड फ्यूजन अपना जून में है, सही है, डी मार्च और दिसंबर नहीं है, नहीं है, अप्रैल में कोल्ड फ्यूजन है ना DC है। अब मुझे बता दो बचे क्या क्या है, एक तो क्या बच गया, तो सितंबर अगस्त का कंपनी और अप्रैल का कंपनी। हाँ अप्रैल का कंपनी। अब देखो ग्रिड, जीसी, जीसी यहाँ नहीं आ सकता, जीसी यहाँ आ गया, DWM साफ साफ लिखा है कि अगस्त में नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आ सकता है, DWM यहाँ आ जाएगा, अप्रैल में भी नहीं आ सकता ना DWM, तो सितंबर में आ जाएगा फिर। बस बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप क्लाउड, क्लाउड तो दिया हुआ है शायद, क्लाउड कंप्यूटर कंपनी क्लॉथिंग, सॉरी कंप्यूटर क्लॉथिंग, ये यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर अप्रैल में नहीं सर अगस्त में। हाँ सर अगस्त में, अप्रैल में तो आ ही नहीं सकती। अब क्या बच गया लास्ट में, मैं बताना, एयर कार, ये अगर अप्रैल में आएगा। हाँ अप्रैल में तो लिखा हुआ है ग्रीड कंप्यूटिंग नहीं आएगा। हाँ अप्रैल में, तो इसलिए तो नीचे लिखा है कंप्यूटर क्लाउडिंग, ग्रेट कंप्यूटिंग तो बेटा भर चुके हैं ना पहले से, ये देखो जीसी वही तो है, हाँ हाँ सर सही है। वो तो पहले भर चुके हैं, तो आ गया आंसर अपना, और क्या, सारी कंडीशन एक बार और फिट करके देख लो, वैसे आंसर बिल्कुल सही है। देखो डी में एयर कार आ गया, ई में कोल्ड फ्यूजन और जून, जे में आ गया, मैं करना नहीं चाह रहा था ये, मेरे से गलती से हो गया, मतलब मैंने वो नीचे रख दिया, मेरे को ऊपर रखना चाहिए था वो, तब एक और केस बनता, उसके दो हाँ ऑप्शन सर थे, एक ऊपर और एक नीचे, अभी इसी से बन गया, ये है समस्या, ये होता है ना, पहले से आपने सवाल करा हो तो ये हो जाता है उसमें, कोई बात नहीं। कोल्ड फ्यूजन जून, ठीक, डी मार्च का है, डी मार्च, ये तो मैंने ऑब्वियसली किया ही होगा, 2016 में मैं खुद ही करता था, तो 2013 का सवाल तो मैंने पहले भी किया होगा, ऐसा नहीं, तो ये क्या है, कोल्ड फ्यूजन जून में है, सही है, डी मार्च, ठीक है, नक वहाँ है, सही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बढ़िया, तो ये आ गया आंसर। अब 11 का आंसर बताओ जरा, इलेवन द उसका फॉलोइंग कौन सेमिनार हैज बीन गिवन बाय डी, डी ने कौन सा सेमिनार दिया है, कार। एयर कार, ठीक है डी, तो अब तो 12-13 आप कर ही लोगे, एक इसमें वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, कोई ऐसा डज नॉट, हाँ ये वाला 12 वाला बताओ जरा, फॉलोइंग जी मार्च हाँ, एच दिसंबर, 1 सितंबर ई नवंबर, सही है आई अगस्त, सही है। जून, एफ जून गलत, एफ जून गलत है सर, कभी एफ कभी ये कठिन हो दिसंबर। जाता है, ठीक। अब मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं इसमें एक और काम करना चाह रहा हूँ, देखो वो मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, ये वाला तुमने नोट कर लिया, इसमें यही नहीं बनेगा, इसमें एक और केस बन सकता है, अगर आप जून को ऊपर लो तो वो गलत हो जाएगा एक स्टेज के बाद, ठीक है, वो आप कर लेना, वो तुम कर लेना, वो तो मैंने जे को जून वहीं रख दिया ना, वो सेट हो गया, पर ऐसे करते नहीं है वो एग्जाम में, एग्जाम में दोनों केस एक साथ लेके चलते हैं, मेरे पास तो जगहों की कमी है, वरना मैं जरूर लेके चलता दूसरा केस, वो रखते ही हो गया, एग्जाम में हमेशा दोनों केस एक साथ लेके चले, क्योंकि
क्योंकि अगर आप एक ही केस लेके चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा केस भी होता है इसमें, बताऊं क्या दूसरा केस कौन सा होता है? होता है हाँ, दूसरा वो केस तो तुमने बनाया। हाँ सर, हाँ दूसरे केस में क्या होता है? जो दूसरे केस में हम वहां एस जे मतलब अप्रैल में जे डाल दिए थे। नहीं नहीं दूसरे केस में बेटा जून जो है वो ई में होता, ऊपर तो पक्का था ना डी में, अप्रैल नवंबर है। हाँ दूसरा केस में क्या होता, ये जो जे जून है ना ये कहाँ होता? होता ई में या एफ? हाँ ई में, क्योंकि एफ में तो फिक्स था कि जी है। ये देखो एफ का प्रेजेंटेशन ग्रीन इंजन में वो है ऊपर होता जी सी की, जो तो वो गलत हो जाता बाद में। ठीक, ये ध्यान रखना दोनों केस एक साथ लेके चलना। अब चलो ये वाला एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें हाँ इसमें टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, तुम फिर भी मैं तुम्हें ऐसे 2-3 मिनट दे रहा हूँ, मतलब 5 मिनट दे रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 मिनट, चलो जल्दी करो। रामानिकेत हुआ।
नहीं सर, नहीं हुआ सर। हाँ मेरा बाप, ऐसा क्या हो गया यार इस सवाल में, तो तुमने सीधा ग्रेजुएशन में लिख लिया। कंडीशन भी लिख लिए सर, हुआ नहीं। अच्छा हो नहीं, टाइम लग रहा है मतलब अभी भी अनिकेत भाई। कभी कभी सर हो जा रहा है, कभी कभी एकदम अटक जा रहा है, हो रहा है सर, फिर भी प्रैक्टिस चालू है। हाँ लेकिन यार वो टाइम कम है ना अपने पास, हाँ सर, वही तो अब प्रैक्टिस तो। कभी कभी सच बोल रहे हैं, हो जा रहा है एकदम एकदम से, कभी कभी दिमाग जगह में नहीं रह रहा दिमाग जगह में नहीं बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर आप भी, तुम क्या सोचते हो ना, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये इशू, उनका इशू क्या है सर, कभी कभी दिमाग चलता नहीं, कभी कभी चलता है, ये इशू है ना तुम्हारा बेटा। ये इशू में फंडामेंटली गलत है ना, ऐसा नहीं होता कि ये नहीं होता, ये मेरे साथ नहीं होता, होता है, बात सही है है। तुम्हारी, पर क्या जब ना चले ना तो उसको जबरदस्ती चलाओ। अबे मालिक तुम हो कि तुम्हारा दिमाग है? हाँ तुम अलग हो ना अपने दिमाग से, ऑब्वियस सी बात है ना यार, दिमाग तुम्हारा हिस्सा है। ये चीज हाथ में समझ में नहीं आती, जैसे हाथ में क्या, ये हाथ बिना मेरी इच्छा से चल सकता है क्या? अगर चल रहा है तो मतलब दिक्कत है इसमें, डिफेक्ट है। और मेरे दिमाग अगर मेरी बिना इच्छा से चल रहा है तो उसमें डिफेक्ट है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ पागलपन के थोड़े से पास है हम लोग, अगर हमारा दिमाग हमसे नहीं चल रहा। मान लो तुम एग्जाम में तैयारी करके गए, वहां चला ही नहीं तो अरे क्यों, तुम्हारे हिसाब से चलता नहीं भाई, तो ये दिक्कत। बात सोच रहे। नहीं, सर वो ठीक, आप ऐसा ही बात बोले। आप अरे मैं अपने भाई वो लॉजिकल है ना, एकदम एकदम सर, हाँ एकदम लॉजिकल है उसमें। अब तुम भाई दिमाग चलना चाहिए ना, वो दिमाग में ऐसा कैसे ये। होता है हाँ सीधा जब दिमाग में चले ना उसको बोलो तेरी इतनी हिम्मत है, तेरी इतनी हिम्मत भाई चल, और क्या जबरदस्ती चलाओ, ना चले तो बैठे रहो, जब तक नहीं चलेगा तब तक उठूंगा नहीं पजल सॉल्व करके, ऐसा। चलो बहुत सिंपल है पजल है बेटा, कुछ नहीं है मतलब, मैं पढ़ लू, मैंने पढ़ी भी नहीं है अभी तक, पर मैं देख लेता हूँ। ये वाली पजल अभी ताजी ताजी आई है, ये क्या, 8 लोग बैठे हैं, 8 पर्सन डिफरेंट डेज, 9 और 18, मार्च जून सितंबर दिसंबर, अच्छा, ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो मार्च जून दिसंबर कैसे आ सकता है, सितंबर आएगा पहले, सितंबर दिसंबर ये हो गए। अच्छा इसमें भी ये है कि दो डेट है उसमें, शायद एक 9 है और एक अच्छा 9 18, 9 18 और 9 18। तो क्या है, एम वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज ऑन एन इवन नंबर डेज। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, जून में 30 होते हैं, सितंबर में भी 30 होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। अब क्या बोल रहा है, एम वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन 31। तो भाई इसमें दो पॉसिबिलिटी है, क्या मार्च पॉसिबिलिटी, और मार्च में भी हो सकता है और दिसंबर में भी हो सकता है। तो ठीक है, तो दिसंबर वाला यहां बना लेते हैं ना, दिक्कत क्या है, दो केस बना लेते हैं अपने को, क्या जाना। तो लो दिसंबर में एम खेल खत्म। अब देखते हैं आगे, 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, तो टी यहां आ जाएगा शायद, 1 2 3, तो टी यहां आ जाएगा, सही सही है। तो टी और एम के बीच में 3 लोग है ना, हाँ तो टी तो सर 9 में भी ऊपर में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, अरे भाई मेरे एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, नहीं हमने वो नहीं बोल रहे सर, 9 9 एकदम मार्च के 9 में नहीं आ सकता टी, और कहाँ सितंबर के 9 में एम आ जाए। सितंबर के 9 में एम कहाँ है, सितंबर के 9 में एम सॉरी सर, एम एम का तो किया ही हुआ है, 8 में ऊपर में। ठीक है सर, मेरा अरे गलती, देखा नहीं। हाँ रात ज्यादा सर, हो गई है नहीं नहीं सर, आप पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं सर, ऐसी भाई बात नहीं, हमको ख्याल भाई, नहीं किया, हमें एम दिमाग से निकल गया था सर। अरे मैं तो बेटा रहा अभी रात के 12 ही बज रहे हैं, मैं तो, मेरा कोई टाइम ही नहीं, मेरा जब मेरा दिमाग 24 घंटे चलता है, जब जब मैं चाहता हूँ, ऐसे मेरा चलेगा नहीं तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। तो 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन एम एंड टी, सही, द नंबर ऑफ
पीपल हु वर बॉर्न बिफोर एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु वर बॉर्न आफ्टर टी, तो एस से पहले जितने लोग हैं उतने टी के बाद। अब मैं इसको वैसे मैंने तुमसे हजारों बार कहा कि कंडीशन लिखना, पर कभी कभी क्या होता है मैं थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर, मैं कंडीशन नहीं लिखता, तो मतलब ये तुम मत करना, कंडीशन लिखना उसमें, ठीक है। पर ये मैं सवाल, मेरे को लगता है मैं हैंडल कर लूंगा, इसलिए मैं सीधे कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल हु वर बॉर्न बिफोर एस इज सेम एज द नंबर, तो टी के बाद कितने, एक दो, तो एस यहाँ होगा, इससे पहले एक दो होंगे, हाँ सर सही है। नीचे वाले केस में टी के बाद कितने, एक दो तीन चार, तो एस कहाँ होगा, एक दो तीन चार, एस यहाँ होने वाला है, देखो हाँ सर कितने उतने एस से पहले, सही है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन एस एंड एम, एस और एम के बीच में जितने लोग हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन एस और एम, सही। एन पहले केस में नीचे होगा 18 में, जून 18, हाँ देखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एस बीच में होना है, हाँ सर। जब भी ऐसा होता है कि क्या हो कि इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में बराबर है, तो अगर कोई चीज कॉमन होगी तो बीच में होगी, ये तो समझता है तुमको, बढ़िया। तो एस अगर यहाँ है और एम तो यहाँ पहले से दिया, एक दो छोड़ के, तो एक दो छोड़ के एन यहाँ हो जाएगा, हाँ सर। अच्छा इस केस में एम कहाँ है, तो यहाँ जीरो है, तो एन यही होगा, बढ़िया सही। अब देखो क्या बोल रहा है, थ्री पीपुल वर बॉन्ड बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में तीन लोग हैं, तो यहाँ पी, एक दो तीन, तो पी यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ कहाँ होगा, एक दो तीन, तो पी यहाँ हो गया, अच्छा। चलो अब क्या बोल, ओ वॉज बॉर्न बिफोर टी, ओ का जन्म टी से पहले हुआ है, सही है। तो वन पर्सन बॉर्न बिटवीन ओ और क्यू, अब ओ का जन्म टी से पहले हुआ है, अब ध्यान से समझ लो, वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, अपने को पता नहीं, जहां होगा उसके उल्टे क्यू, सही है? एक छोटा है ना क्यू, पहला कंडीशन में भी टी के ऊपर होगा, अच्छा पहला कंडीशन में देख लेते, रुको, ओ वॉज बॉर्न बिफोर टी, ओ यहां भी हो सकता है, ऊपर नाइन में भी हो सकता है, और कहां हो सकता है, नाइन में नहीं हो सकता बेटा, क्यों नहीं हो सकता सोचो बेटा, इवन नंबर डेज नहीं, वन पर्सन बॉर्न बिटवीन ओ और क्यू, ओ और क्यू के बीच में एक बंदा बैठा है, अब तुम ओ को यहां बैठा दोगे तो क्यू कहां बैठेगा फिर, ये वाली कंडीशन पढ़ो बेटा, वन पर्सन बॉर्न वॉज बॉर्न बिटवीन ओ एंड क्यू, तो ऊपर नहीं बैठ सकता ना वो, अब यहां आ जाएगा क्यू मजबूरी, आर वॉज बॉर्न बिफोर ओ, देखो आ गया, आर ओ से पहले पैदा हुआ है, अब इस केस में भाई आर कहां रखोगे बताना जरा, सर नीचे ऊपर वाला केस कट जाएगा, ओ क्यू का जी का वो मतलब वो नीचे होगा, ये वाला पूरा केस कट जाएगा, ये कहना चाह रहे हो, हाँ सर सही है, परफेक्ट सही कह रहे हो, क्योंकि ओ इन दोनों में से एक जगह आना है और एक छोड़ के क्यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पूरा भरा, इधर वाला केस कट गया, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं, ये ध्यान रखें ये केस कट चुका, बाकी आप इसको दोबारा पीछे रिवाइंड जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, ये हो गया, आर वॉज बॉर्न बिफोर ओ, आर वॉज बॉर्न बिफोर ओ, ओ वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, वाह सही है, पता तो सही है अपना सही, वो तो फालतू में लिखी है कंडीशन, पता नहीं क्यों लिखी, हो ही गया उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन ओ एंड आर, जल्दी बताओ, एक दो तीन, थ्री इज द आंसर, सही है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म द ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, सर आर कैसे पता, आर सर नाइन में नाइन और टी एम एन पी सब 18 का है, परफेक्ट बहुत बढ़िया बेटा। Who amongst the following was born in 9 मार्च, ये तो देख के बता दूंगा, क्यू नहीं होगा, अच्छा क्यू ही है और क्या, नहीं सर आर है, आर वॉज बॉर्न इन 9th, अरे मार्च, अच्छा अच्छा मैं 9th ये देख रहा हूँ, हाँ ठीक है आर, चलो
हाउ मैनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर टी, टी के बाद कितने, एक दो, दो दो लोग हैं। फिफ्थ का क्या आंसर, क्यू का जो डेट बोला है, क्या क्यू का, क्यू वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, तो कितने में, 9 सितंबर, 9 दिसंबर, सोचो ये तो 18 या 9 ही है, नीचे वाला, रात हो गई है। सर एक बार क्वेश्चन देंगे, स्क्रीनशॉट मार ले क्वेश्चन को, फिर कल सॉल्व कर लेंगे हम, लो लो, मतलब अभी समझ आ गया, फिर कल एकदम फ्रेश जरूर करना। नहीं बेटा, समझ में नहीं आया अभी, समझ तब आता है ना जब हम उसको जीवन में फॉलो करने लग जाए, जब हमारे लग जाए, जब हम 2-3 मिनट में कर पाएंगे इसको, फिर हमको समझ में आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, सही समझ है तुम्हारे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नोट मत करो, मतलब स्क्रीनशॉट, मतलब मैं तुम्हें पूरी वही भेज दूंगा, पीपीटी भेज, मतलब वो ये भेज दूंगा पीटी, चिंता मत करो। अब जरा ये वाला सवाल करो भाई, ये नया सवाल है, ये तुमने आज तक किया नहीं होगा, ये आजकल आ रहे हैं। हाँ सर, हो गया सर, 1, 2, 3, 4 तो सर, कितना आ गया, परफेक्ट, तो मतलब ये सवाल तुमने किया है इसका मतलब। हाँ सर, उस दिन वो जॉइंट 3 जन का क्लास होता है हम लोग का, शशि मेरा और उसका। अच्छा, उसमें कर लिया तुमने, समझ गया, हाँ वहां करवाया था, याद आ गया मुझे, ठीक है, अच्छा मैं हाँ, तो इसमें क्या होगा, एस एस और कौन कौन सा पेयर है, जैसे इसको देखते कैसे हैं, वो तो मैंने तुम्हें उसी दिन बता दिया था, ई एफ जी एच आई जे के एल लिख लो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई जेड, ये लिख लिया अपना। आपके बोलने के बाद से सही से खोज पा रहे, नहीं तो हम रैंडम खोजते थे और टाइम ज्यादा निकल जाता था। हाँ भाई, अच्छा अभी कैसे ढूंढ रहे हो तुम, देख वो बताओ जरा सर, जैसे एस ई एस क्यू एस यू एस ई एस एन एस सी एस ई फिर ई क्यू यू ई यू ई ई एन, वैसे देखते हैं थोड़ा, हाँ धीरे धीरे क्या होगा, जब हम एक ही प्रोसेस को रिपीट करते हैं ना, तो हमारी मास्टरी हो जाती है उस पर, तो वो जल्दी दिखने लगता है। अब जैसे एस क्यू साफ दिख रहा है, हाँ सर, ऐसे एक छोड़ के क्यू है, एक तो ये हो गया, एस और यू नहीं, एस और यू तो नहीं है, एस और ई नहीं है, एस और एन भी नहीं है, एस और एन होगा सर, फोर, 1, 2, 3, 4 नहीं, एस और एन, हाँ 4, बिल्कुल सही बोल, एस और एन भी है वो, बिल्कुल आपको फीलिंग आने लग जाएगी, अच्छा ये एस और सी नहीं हो सकता, एस और ई नहीं हो सकता, और क्या बचा, ई से तो कोई मेरे को लग नहीं रहा, ई से कोई नहीं, नहीं, हाँ बहुत दूर है ना, क्योंकि ई सी कहाँ, ई क्यू, क्यू से देखता हूँ, क्यू से यू हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही पास है, क्यू से ई नहीं हो सकता, क्यू से एन हो सकता है, 1, 2, क्यू से एन है,
वन टू हो गया है। क्यू से सी नहीं हो सकता, क्यू से ई नहीं हो सकता, तो अपने को क्या निकालना है? अच्छा तीन तो आ चुके अपने, अब क्या है अपना यू से ई नहीं होगा, यू से एन नहीं हो सकता, यू से सी नहीं, यू से ई भी नहीं, ई से एन तो नहीं हो सकता, ई से सी हो सकता है क्या? हाँ ई से सी, ई से सी हो गया, ई से ई नहीं हो सकता, एन से सी नहीं हो सकता, एन से ई, सी से ई तो बहुत मतलब बिल्कुल एक बीच में होता तो हो जाता, एक दो तीन चार, चार हो गया, परफेक्ट। नीचे वाला बताओ जरा, if it is possible to make a meaningful using the third, fourth, seven, eight. थर्ड पी है, फोर्थ एल है, सेवंथ टू थ्री फोर फाइव ए है, एट। एक तो वर्ड बनी है सर, एक वर्ड तो एकदम लिखते ही बन गया, लिखते ही बन जा रहा है, लेकिन अब ट्रिकी है, नो वर्ड तो है नहीं, इफ मोर देन वर्ड में वर्ड एक्स और क्या है, देन व्हाट इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड, वन टू थ्री फोर, तो आंसर एन होना चाहिए, लेकिन मैं ये बताना वैसे इस सवाल का आंसर भी एन ही आएगा, आ रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस सवाल को कभी ना करें एग्जाम, अगर आपने पहले नहीं करा, मतलब क्या है देखो, ऐसे तुम जब तक तुम मॉक टेस्ट देने जाओगे, मतलब एक्चुअल टेस्ट देने जाओगे, 100 सवाल कर चुके होगे, 50 तो मॉक टेस्ट दोगे ना असली पेपर देने से पहले, बाकी तो मैं भी करवा ही रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि तुम 100-200 सवाल ऐसे कर चुके होगे, उन 100-200 को कॉपी में नोट कर लो, अगर वो वर्ड आ गए तो सही है, वरना क्या होता है कि रिस्क इसमें बहुत हाई रहता है गलत होने में, अभी जैसे क्या होता है मोर देन वन वर्ड बन जाता तो भी सही हो जाता, तो फिर रिस्क नहीं रहता, क्योंकि अब वो तीन चार पांच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक में रिस्क है, मान लो एक और वर्ड हो गया, अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं पूरी, क्या पता कोई वर्ड हो जाए, हमने सुना ही ना हो, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इस सवाल को छोड़ने में फायदा है, अगर एक से ज्यादा वर्ड बने तो टिक कर दो, क्योंकि अब तो भाई तेरे दो बन गए, अब दो से ज्यादा ही होंगे, अभी इसी केस में जैसे दो बन जाते तो हम एक्स मार कर दे, अब इसमें रिस्क है, आंसर इसका एन ही है, पर इसमें रिस्क है एक्चुअल पेपर में, सही अंग्रेजी ऐसा था, अंग्रेजी खराब भी और ये रिस्की भी है, इसमें तो अच्छे अच्छे अंग्रेजों को भी नहीं करना चाहिए, फिर उस दिन आपको एक भेजे थे ना हम, नो वो वहां बोला था नो अदर, नो अदर तो सर घुमा दिया पूरा, सच बोल रहे सर, हम उसको लेके एक घंटा बैठे हुए थे, हम करेंगे फिर उठेंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, फिर आपको भेजे हम, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, हाउ मेनी सच पेयर्स आर प्राइवेट, ये वाला करो जरा, प्राइवेट प्राइवेट वाला जल्दी, नीचे कोहरेंट भी है, कोहरेंट और हाउ मेनी सच पेयर विच हैज एज मेनी बाब, आज तो गजब इनकी प्रैक्टिस हो गई, प्रोविंस तो दो आ रहा है, दो प्राइवेट का, परफेक्ट भाई परफेक्ट, गजब तुम्हारे सही आ रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक तो आ रहा होगा आई और ई, हाँ सर आई और ई और वी और टी, हाँ वी और टी, परफेक्ट बहुत बढ़िया, एक एक करके चेक किया होगा, हाँ सर बहुत बढ़िया, कोहेरेंट वाला करो, जल्दी भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया टू, बहुत बढ़िया, नीचे वाला मतलब मेरा पढ़ाने के बाद भी तुमने प्रैक्टिस करी है, बहुत बढ़िया, तुम ही हो भाई एक जो पूरी सही से मेहनत कर रहा है, तुम हो और एक और लड़का राघवीर, आग लगी हुई है पूरा, कुछ नहीं हो सकता सर,
क्या नहीं हो सकता, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना ये। हाँ। अच्छा और क्या क्या कर रहे हो, मतलब और मतलब जैसे क्या वो एक क्या है तुम्हारा शेड्यूल जैसे दिन भर का? सर जैसे हम मतलब 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं, 7:30 से लेके 1 बजे तक मैथ्स और रीजनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को और कुछ मैथ्स रीजनिंग में हाथ नहीं लगाते, इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, और मन किया तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर अड्डा 247 से कहीं से भी, ठीक है। लेकिन शाम को थोड़ा काम रहता है, ठीक है, इसलिए शाम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, 2-3 घंटा शाम को दे पाते हैं, जो करना को करना होता है सुबह ही करते हैं सर। वो और वो टेस्ट बुक से टेस्ट भी देना शुरू कर दो। सर मार्च से देंगे, एक बार थोड़ा इसमें हो जाए। हाँ सही बात है, सही सही मार्क्स से देना हो, एक बार मैथ्स से थोड़ा बहुत हो जाए और एक बार थोड़ा सा वो हो जाए इंग्लिश भी, तो फिर हाँ दे। सर, हाँ मार्च से, हाँ ठीक चलो कोहरेंट निकालो। 15-15 तो क्वेश्चन कर रहा है अड्डा 247 से, हाँ बढ़िया तो है, वो करने चाहिए, वही कर रहे सर। बढ़िया। सर इसका 2 आ रहा है सर, इसका क्या आ रहा? कोहरेंट का 2 आ रहा है सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोविंस का कर रहे हैं सर, एक तो आ रहा होगा तुम्हारा, एक क्या आ रहा है बताओ? ओ और आर, ओ आर आर, और दूसरा? ओ आर सर, हाँ ओ आर समझ गया, दूसरा सर एच और ई। आई चोरी, परफेक्ट। प्रोविंस का बताओ जल्दी, सही आ लग गया तुम्हारे, परफेक्ट है, और टाइम भी सही लग रहा है तुम्हें, इतना ही लगना चाहिए। थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो शायद थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए बस ये है। आसान है ये भी, ये लास्ट वाला एक ही है क्योंकि इसमें पेयर वो है। हाँ सर आर और एन आर है, ठीक है, तो मैं फिर असाइनमेंट्स तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, और वो दो वीडियो अपने को देख के आने, वो भी मैं तुम्हें असाइन कर दूंगा, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ठीक है, बाकी सवाल कल करते हैं। और सर आज का मास्टर क्लास का भेजेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल उसको, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुरंत भेजना, तुरंत 15 मतलब 3 मिनट में क्लास खत्म होते ही आ जाएगा तुम। ओके ठीक है गुड सर, नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके सर।